हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, जो कि एक प्रॉब्लम है जो मेल्स में जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इंटरकोर्स के टाइम पर पूरा इरेक्शन ना होना। और मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मुझे बहुत से लोग जो है मैसेज करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सर कॉज क्या होते हैं, पूछते हैं मेरे से, उसके जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पता करते हैं। तो मैं ये कुछ इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता क्या है और इसके कॉज क्या हैं, और कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताऊँगा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर प्रॉब्लम है आपको तो उसमें जो है बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। लेकिन ये मेडिसिन मैं जनरल बताऊँगा, लेकिन जो इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ये प्रॉब्लम जो है क्योर होती है। तो उसके लिए जो बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी की हमारी जो बनावट है उसके हिसाब से जो मेडिसिन सूट करती है वही पूरी तरह से उसी मेडिसिन से जो है ये प्रॉब्लम जो है क्योर होती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पता करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बॉडी की जो आपकी सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपकी जो प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्योर करेगी। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत से लोगों को होती है और ये किसी भी एज में हो सकती है, 20s, 30s, 40s, 50s, लेकिन जो 40 ईयर्स के बाद जो है इस के होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इंटरकोर्स के टाइम पर अगर पेनिस जो है पूरी तरह से उसमें इरेक्शन ना हो या जो है इंटरकोर्स करने से पहले ही वो इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए तो इसी को जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इंटरकोर्स के लिए जो है पेनिस का जो उसमें इरेक्शन होना बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। अगर उसमें इरेक्शन नहीं होगा तो ये पूरी तरह से जो है आप अपने जो आप एक्ट करना चाहते हैं उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जो है मैंने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है और आप लोगों के सवाल जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। तो आप इसके मैं कुछ कॉज आपको बता देता हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, जो कॉज जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है होती है। इसमें जो पहला जो कॉज है, मेल ऑर्गन जो है उसमें इरेक्शन आता किस वजह से है, तो मेन जो रीज़न होती है उसमें वो है ब्लड सप्लाई। जो पेनिस होता है उसमें एक सॉकेट्स टाइप के होते हैं जिसमें जो है ब्लड पूरी तरह से फिल हो जाता है, भर जाता है, और उस ब्लड के भरने से जो है उसमें इरेक्शन आता है। अगर उसमें ब्लड सप्लाई ठीक तरह से होगी, ब्लड जो है पूरी तरह से वहाँ पर जो सॉकेट्स हैं उसमें भर जाएगा तो उसमें जो है इरेक्शन होगा। अगर वहाँ तक ब्लड पूरी तरह से नहीं पहुँचेगा तो ये जो है उसमें इरेक्शन नहीं होगा और इसी को जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ब्लड सप्लाई होती है और जो इरेक्शन होता है ये इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। अगर आपका ब्रेन जो है पूरी तरह से नॉर्मल है, अगर आपके ब्रेन पे कोई ऐसी लोड नहीं है जिसमें जो है आपका ब्रेन या दिमाग जो है किसी और चीज़ में डाइवर्ट हो और किसी नेगेटिव थिंकिंग हो, अगर आपके ब्रेन में जो है नेगेटिव थिंकिंग आती है, आप में कोई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स किसी तरह का होता है, तो इस वजह से जो है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। मेनली जो है ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है और 80-70% लोगों में जो है एक्चुअल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन
वो जो है उनका दिमाग इस तरह से वो अपना डाइवर्ट कर लेते हैं, इस तरह से वो सोचने लगते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली उनको ये प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन वो दिमागी तौर पर जो है अपने आप को इस तरह से उनकी थिंकिंग हो जाती है, और एक बार अगर उनको ये प्रॉब्लम हुई तो दोबारा जो है वो इस बारे में जो है उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि अगर अब किस इस बार भी अगर इस तरह से मेरे साथ हुआ तो मैं इस तरह से क्या होगा, और वो नेगेटिव थिंकिंग जो है उनके दिमाग में आती है। इस तरह नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है बढ़ती रहती है, और ये जो है धीरे धीरे जो है इम्पोटेंसी की तरफ उस इंसान को ले जाती है, और उसकी जो लाइफ है एक तरह से बिल्कुल जो है डल लाइफ हो जाती है, और वो डिप्रेशन में आ जाता है, और उसकी जो पूरी फिजिकल हेल्थ इससे जो है डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो है हार्ट डिजीज़। अगर आपका जो हार्ट है वो ठीक से, मैंने एक वीडियो में बताया था कि हार्ट का हमारे दिल का जो फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करना होता है, जब ये ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पूरी बॉडी में हर सेल हर टिश्यू में पहुँचता है। अगर हमारी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ठीक होगी तो ये जो है ब्लड फोर्स के साथ जो है हार्ट में से निकलकर पूरी बॉडी में जाएगा, और जो हमारा ऑर्गन है पेनिस है वहाँ पर भी जो ये ब्लड बहुत तेज़ी से जाएगा, और जब वहाँ पर ब्लड पहुँचेगा एक तो हार्ट उसको पंप करेगा, दूसरा जो स्टिमुलेंट है जो हमारा माइंड है, हमारा जो विचार है, हमारे जो ख्यालात हैं, वो उसमें जो है एक कैटलिस्ट का काम करेगा, और ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है इरेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर आपका हार्ट सही से काम कर रहा है, आपका माइंड सही से काम कर रहा है, बिल्कुल फिट है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल हाई है तो उसमें क्या है आर्टरीज जो होती हैं हमारी नसें वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो वहाँ से जो ब्लड है वो पूरे फोर्स के साथ पूरे प्रेशर के साथ नहीं निकलता, और जब वो हार्ट से पूरे प्रेशर के साथ जो है ब्लड नहीं पहुँचता तो वो जो ऑर्गन है हमारा वहाँ पर भी वो उस फोर्स के साथ जो है नहीं पहुँच पाता, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़, डायबिटीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसकी पूरी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसकी जो सेक्सुअल वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वहाँ के पेनिस के जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई जो है पूरी तरह से नहीं हो पाती। इसके अलावा एक जो कॉज है वो है पेनाइल एबनॉर्मेलिटी। कोई इस तरह की फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है, मेनली जो पेनिस में, अगर पेनिस में जो है किसी तरह का कर्व है, वो उसकी जो शेप है कुछ डिफॉर्म्ड है, कुछ मुड़ी हुई है, तो इस तरह का जो अगर कर्वेचर उसमें है, कर्व है, तो वहाँ पर जो है ब्लड के पहुँचने के चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। इंजरी, इस एक और जो कॉज है इंजरी, अगर कहीं चोट लग जाती है, चाहे वो स्पाइन में हो या कहीं और किसी ऑर्गन में हो, तो उससे भी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो स्पाइन है उसमें जो नस जितनी भी नर्व्स हैं सब वहीं से आती हैं हमारे इस पूरी बॉडी में, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में, और ये जो है अगर वहाँ पर कोई चोट लगी है तो वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई जो है वो भी उससे अफेक्टेड होती है, और पूरी तरह से जो है ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, और उसमें जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ फिजिकल और ऑर्गेनिक कॉज बताए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, जिसकी वजह से जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसमें कुछ फिजिकल कॉज हैं और कुछ मेंटल कॉज हैं जो हमारे दिमाग से रिलेटेड हैं, और दूसरे जो कॉज हैं वो फिजिकल हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं। कुछ बीमारी हैं जो इसमें जो है रोल प्ले करती हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। अब सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स वही हैं जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो इंटरकोर्स के टाइम पर जो इरेक्शन होना चाहिए वो इरेक्शन नहीं होता, और जिससे जो है वो अपनी उसकी सेक्सुअल लाइफ जो है पूरी तरह से अफेक्ट होती है, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे उसके दिमाग में
बैठ जाती है और ये बढ़ती ही चली जाती है, और जिससे जो है वो इम्पोर्टेंसी की तरफ बढ़ जाता है। और उसकी जो पूरी फिजिकल, इसका अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसकी पूरी जो बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, उसका जो है पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, उसको वीकनेस होने लगती है, ऐसे इरिटेट रहने लगता है। तो ये सब जो है सिम्टम्स होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, चिड़चिड़ाहट होना, घबराहट होना, परेशान रहना, और भूख नहीं लगना, किसी चीज़ को करने में दिल नहीं लगना, और इस तरह की जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन से, अगर आप पूरी तरह से चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्योर हो, और आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप चाहते हैं मेंटली हो, फिजिकल हो, या किसी बीमारी की वजह से हो, तो ये सब जो है हर तरह की जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होती है। लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मेडिसिन सेलेक्ट होगी, आपके बॉडी के सिम्टम्स के हिसाब से जो मेडिसिन सेलेक्ट होगी वो ही इसमें काम करेगी। नहीं तो आप 10 मेडिसिन खा लें, 8 मेडिसिन खा लें, कितनी भी खा लें, और वो आपकी बॉडी के हिसाब से नहीं है, तो वो आप पर पूरी तरह से वो मेडिसिन काम नहीं करेगी, उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो कुछ जो जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, लीफर ल्यूटियम, ये इफ़ेक्टिव होती है ये इम्पोटेंसी में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। एक दूसरी जो मेडिसिन आती है वो है एसिड फॉस, एसिड फॉस भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यो हिम्बियम मदर टिंचर जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कैल्केरिया कार्ब एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत इफ़ेक्टिव है। सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो इफ़ेक्टिव है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। इसके बाद जो है डेमियाना मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल है। एग्नस कास्ट एक मदर टिंचर आता है, होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, इसके डाइल्यूशन में भी आप इसको ले सकते हैं, ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ही यूज़फुल होती है। स्टेफिसैग्रिया होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं, लेकिन अब कौन सी मेडिसिन किस पे सूट करेगी ये उसके सिम्टम्स के हिसाब से ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं।